हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नया नया चैनल बना है और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। ये ब्लॉग मैं बना रही हूँ इंडिया और इंग्लैंड के वर्ल्ड कप पे, जो वर्ल्ड कप मैच इकाना में है 29th को, मतलब कल। और ये रहे दो टिकट जो मुझे मिल चुके हैं और इसकी खुशी ही है जो मैं ये ब्लॉग बनाने बैठ चुकी हूँ। इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी सी है, बहुत सारे लोगों को जिनको ये टिकट नहीं मिल पाया है वो उदास ना हो। एक्चुअली ये टिकट इस बार बुक करना काफ़ी टफ हो रहा था, हमें भी बहुत ईजिली नहीं मिला, हमने भी काफ़ी फाइट की। हम कई बार स्टेडियम गए और हम जितने भी पेजेस थे ICICI और क्रिकेट के, जितने भी इंडियन क्रिकेट टीम के पेजेस थे, जितने भी इंस्टाग्राम पे या जो भी हम वीडियोस देखते रहे और हमने उन्हें सबको फॉलो किया, तब हमारे पास एक नोटिफिकेशन आती है कि इतने टिकट बुक होगा 8 बजे। एक्चुअली इन्फॉर्मेशन हमारे पास 1 घंटे पहले आती है, जो भी उनका स्टेटस होता है उस पर देखते हैं। तो ये लकली हमें कि वो हम स्टेटस देख पाए थे और हम बैठ गए थे 8 बजे अपनी बुकिंग के लिए। 8 बजे बैठते ही हमने नंबर लगा दिया था, हमने कई डिवाइसेस से लॉग इन किया था, फिर भी उसमें वेटिंग था। वेटिंग के बाद बता दूँ इतनी ईजिली नहीं हुआ, उसमें भी ये था कि अभी आपका चल रहा है, बहुत रश है अभी यहाँ पे साइड पे, और जो है अभी आप वेट करिए, जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको टिकट दिखेगी। हमारे नंबर आने पे एक्चुअली हमें टिकट मिले, 2 टिकट मिले जो कि ये हैं, और आप देख सकते हैं ये टिकट है। और ये टिकट हमें जो है ईजली बॉक्स ऑफिस के काउंटर से मिले हैं, जाने पे इकाना स्टेडियम गए थे हम, वहाँ से हमने ले लिए हैं। और ये टिकट हमें 1 टिकट 1500 रुपये का पड़ा है, और जो भी GST वगैरह था ऑनलाइन बुक करने के बाद, उसके बाद ये हमें फ़िलहाल 1500 का टिकट है। वहाँ पे टिकट में बहुत सारे प्राइजेस थे बट उसमें बुकिंग का कोई ऑप्शन नहीं था, हमें तो जो मिला हमने जल्दी पहले बुक कर लिया। उसके बाद हमने जब दूसरी डिवाइस से कुछ और लोगों के लिए टिकट करने चाहे, जैसे हमारे कुछ दोस्त थे, तो फिर पॉसिबिलिटीज़ ये थी कि जैसे ही हमें 2 टिकट दिखे हम उन पर बुक करने, वो ऑलरेडी सोल्ड आउट दिखा दिया था कि मतलब दिख नहीं रहे थे। और दूसरे दिन से ऐसे हुआ था कि पेज पर ही सोल्ड आउट आ रहा था, उससे पहले नहीं आ रहा था। तो फिर यही था कि हम कैसे भी अपने टिकट को, और जब हम टिकट बॉक्स ऑफिस से लेने गए थे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो हमसे पूछ रहे थे आपको कैसे मिला, आप तो बहुत लकी हो, आप समझो वर्ल्ड कप का मैच देख पाओगे ये सब। और हमने वहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे लोग मिले थे जो ब्लैक में टिकट बेच रहे थे। उस दिन उस टिकट का प्राइस 6000 था, और कल हमने सुना कि कुछ जगह 23000 का बिक रहा है, कुछ जगह 25000 का बिक रहा है, कुछ लोग 10000 का टिकट बेच रहे हैं। तो इसीलिए इस बार ऑनलाइन सारे टिकट थे, कोई भी ऑफलाइन नहीं बिके, कोई भी विंडो से जाके टिकट नहीं ले पा रहा था, इसीलिए कि वो लोग चाह रहे थे ये सब धांधलियाँ ना हो और लोग ऐसे टिकट्स वगैरह ना बेचें, तो इसलिए उन लोगों ने ऑनलाइन ही किया था। ऑनलाइन हमने सुना था सितंबर स्टार्टिंग से ही सारे टिकट की बुकिंग शुरू हो गई थी। हाँ, ये था कि इस बार टिकट वगैरह की इन्फॉर्मेशन और बुकिंग काफ़ी लेट आई है, लोग अफेयर नहीं थे, तो थोड़ी डिफिकल्टीज़ हुई हैं, बट फिर भी जिन्हें मिल गया उनके लिए अच्छा, जिन्हें नहीं मिला है वो TV पे एंजॉय करेंगे। आखिर इंडिया का मैच इंडिया में हो रहा है तो हमें तो सपोर्ट करना बनता है। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ और ब्लॉग बनाने बैठ गई, अपना चैनल बना लिया है। वैसे मैं तो बहुत दिन से ही सोच रही थी कि कुछ करते हैं करते हैं करते हैं, और जब कुछ सोचो तो फिर ऐसे नहीं होता, आपको बस कर डालना होता है। ब्लॉग भी ऐसे नहीं लोग बनाने बैठते हैं, बस सोचते रह जाते हैं पर नहीं होता। मेरे जैसे लोग जो हमेशा सोचते हैं ब्लॉगिंग करेंगे पर नहीं हो पाता, पर जो भी दिन आप ठानो और बस लग जाओ, कैसा भी बनेगा, मुझे भी नहीं आता, एडिटिंग नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, बस मैं बैठ के बना दे रही हूँ, धीरे धीरे सीखते रहेंगे। अच्छा, तो अभी मैंने आपको बता दिया टिकट की जो भी इन्फॉर्मेशन थी, कैसे क्या हुआ, हमें कैसे मिला और लोगों ने कैसे किया, यही सब है कि जो है इस पर ऑनलाइन ही था। अच्छा, अब टिकट तो हो गया, फिर हम जब टिकट लेने गए थे तो वहाँ पे जो इकाना स्टेडियम था उसके बाहर जर्सी, फ्लैग, कैप सब बिक रही थी। तो वहाँ पे हमने एक जर्सी ली है, ये है वो जर्सी, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये है आगे से, और ये इंडिया की जर्सी है। तो ये जर्सी ली है हमने, विराट की फेवरेट है, तो फिर विराट की जर्सी ली है। और जर्सी वहाँ पे सारे कोलकाता के लोग आए हुए थे, पता नहीं वो कौन थे, हमने उनसे बात की, बट वो कोलकाता से आए हुए थे, पूरी टीम थी, वो लोग जर्सी बेच रहे थे। एक जर्सी का प्राइस 200 रुपये था, कैप वहाँ पे 100 की थी, और उनके पास फ्लैग थे।
तो ये सारी चीज़ें थी जो स्टेडियम के बाहर ही बहुत ईजिली मिल रही है, जिन्हें वैसे भी वनडे का है, लोग फिर भी लेके रखते हैं, जो शौकीन होते हैं वो लोग लेते हैं। ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, 400 रुपये की ऑनलाइन मिलेगी। हमने सब कुछ देखा, बट हम जिस दिन टिकट लेने गए थे हमें भी नहीं पता था कि वो स्टेडियम के बाहर इतनी ईजिली मिल जाएगी, तो हमें मिल गई, इसलिए हम आपसे शेयर कर रहे हैं। चलो अब स्टेडियम की बारी हो गई, जर्सी की बारी हो गई, अब बारी आती है कि हम कल किस टाइम निकलेंगे और स्टेडियम में कब पहुँचेंगे, हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी और क्या क्या नहीं। अभी मुझे जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिली है वो सारी बाहर से मिली है, मैंने वीडियोस देखी हैं, मैंने टिकट पे जो क्या क्या ले जा सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन है, पर मैं खुद के एक्सपीरियंस से जो भी रहेगा वो मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, हम बहुत जल्दी निकलने वाले हैं, 2 बजे से मैच है, 12 बजे से वो एंट्री स्टार्ट कर देंगे, इसलिए हम थोड़ा और जल्दी जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो इकाना स्टेडियम है वहाँ पर पार्किंग का इशू रहता है, और आपको भी पता है इंडिया में मैच हो रहा है और प्लस टीम इंडिया का मैच है स्टेडियम में, तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रश रहेगा, बहुत सारे लोग आएंगे, तो पार्किंग के इशूज़ वैसे रहेगा। 4 व्हीलर का वहाँ पे पार्किंग नहीं मिलेगा, 2 व्हीलर वालों को मिलेगा, लेकिन उनके लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा। अगर हम कैब से भी जाएंगे ना तो कैब हमें छोड़ दो आसानी से देगी, क्योंकि हम थोड़ा पहले निकलेंगे, बट वो एक्चुअली एक ही रास्ता स्टार्ट करते हैं, वहाँ जाने के रास्ते तो कई हैं, शहीद पथ है, तो आप बहुत सुल्तानपुर रोड से, कस्बार रोड से, गोमती नगर के थ्रू आ सकते हैं, बट उस दिन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर पुलिस रहती है लोगों की वजह से, कि उन लोगों को दिक्कतें ना हो, कुछ प्रॉब्लम्स ना हो जाए, कुछ भगदड़ ना हो जाए, क्योंकि जहाँ पर भी रश रहता है वहाँ पर कुछ ना कुछ इंसिडेंट ना हो, इसलिए पहले से ही जो भी हमारे यहाँ की पुलिस है, जो भी हमारी व्यवस्था है, वो बहुत अच्छे से वो लोग मैनेज करवाते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि जो कैब है वो हमें छोड़ तो देगी, पर रात में क्या होता है कि कैब सब बुक करते हैं, सब निकलते हैं, तो सबको क्या होता है रश हो जाता है, फिर कैब से मिलती है, तो हम सोचे हम अपनी गाड़ी ही ले जाएंगे, तो फिर बस देखते हैं पहले जाके कि हम कहाँ खड़ी करेंगे और कितना पहले निकलेंगे। तो यही है, स्टेडियम कैसा है, वहाँ पे अंदर क्या रहता है क्या नहीं रहता है, क्या ले जा सकते हो क्या नहीं ले जा सकते हो। अच्छा, ले जाने की बात आई है तो मैं बता दूँ कि जिस दिन मैं बॉक्स ऑफिस से अपना टिकट, विंडो टिकट रिसीव करने गई थी, वहाँ पे मैंने लेडीज़ थी उनसे पूछा था, जो वहीं की थी, गेट पे खड़ी हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि आप ला तो कुछ नहीं सकते हो, मतलब आप मतलब जब स्टेडियम आओगे ना मैच देखने तो आप कुछ भी कैरी नहीं, कुछ भी का मतलब है फूड आइटम, वाटर और कुछ भी, मतलब वुड की चीज़ें, स्टिक वगैरह या प्लास्टिक की चीज़ें वो नहीं अलाउ करेंगे। चार्ट पेपर वगैरह लोग ले जाते हैं, अच्छे अच्छे से मैसेज लिखते हैं अपने प्लेयर्स के लिए, बहुत अच्छे अच्छे से मैचेस, तो शायद वो सब अलाउ करेंगे कि आप ले जाओ, लेकिन बेबी है आपके पास छोटा, तो वाटर बॉटल वगैरह अलाउ करते हैं, बेबी का फूड होता है तो शायद वो अलाउ करते हैं, वाटर मिल्क बॉटल तो मुझे पता है कि वो अलाउ करते हैं, उन्होंने बोला था। पर हाँ, अब बात आ जाती है कि अंदर जाके अगर हमें कुछ मतलब हमें कुछ नहीं ले जाने दे रहे हैं तो हमें अंदर कुछ मिलेगा कि नहीं। हाँ, तो स्टेडियम के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, आपको पानी भी मिलेगा, आपको खाने को भी मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, पर वहाँ पर दिक्कत क्या आएगी, वहाँ पर दिक्कत ये आएगी कि आपका कोई भी UPI, कोई भी ऑनलाइन पेमेंट पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क के इशूज़ रहेंगे, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि जैमर्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश रहता है, शायद इस वजह से वहाँ पे आपको थोड़ा सा जो भी डिजिटली पेमेंट्स होते हैं ना उसमें प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो बेस्ट तो यही है कि आप बहुत अच्छे से, मतलब आपको पता है ना, कैश वैश ले जाओ, चेंजेस रख लो, लेकिन चेंज पैसे में आप कॉइन्स ना रखो, आपको जितना भी कैश रखना है नोट वगैरह रखो, वो कॉइन वगैरह अलाउ नहीं करते, आपको कॉइन नहीं ले जाने देंगे। और खाने वाने का आपको मिल जाएगा, वाटर बॉटल मिलेगी, अब स्टेडियम के अंदर है तो स्टेडियम के आपको अंदर आपको फ्लैग वगैरह भी मिल जाएंगे, वहाँ पे कैब वगैरह बेचते हैं, बहुत लोग अपने फेस पे पेंटिंग्स करवाते हैं, तो वो सब कुछ आपको सारा सब कुछ वो लोग पहले से ही स्टेडियम में करके रखते हैं। अरे पॉइंट्स हैं जो भी कवर करने हैं, कवर ऐसे करने हैं कि जो भी ब्लॉगर्स हैं या जो वीडियोस बनाना चाहते हैं, जो कैमरा कैरी करते हैं, नहीं ब्लॉगर होते हैं बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कैमरा कैरी करते हैं, तो जो लोग कैमरा कैरी करते हैं मैं उन्हें बता दूं कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी कैमरा अलाउ नहीं करेंगे, कोई भी सेल्फी स्टिक अलाउ नहीं करेंगे, कोई भी गैजेट अलाउ नहीं करेंगे, इवन आप पावर बैंक वगैरह भी नहीं ले जा सकते हो, सिर्फ अपने फ़ोन को आप कैरी कर सकते हो, और आपको जितनी भी वीडियोस बनानी है जो भी है आपको फ़ोन में ही बनानी पड़ेंगी, अच्छा फ़ोन ले जाइए, लेकिन वो आपको कैमरे वगैरह कुछ भी, कोई भी ऐसा गैजेट कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस, मैं यही सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी, और मेरा जो
एक्सपीरियंस खुद का रहेगा ना, कल मैच देखने के बाद खुद जाके एक्सपीरियंस करना, उसमें आप लोग बताइएगा आप लोग को और क्या क्या पूछना है क्या क्या नहीं, आप कमेंट करिएगा, मैं बिल्कुल अपने खुद के एक्सपीरियंस से उसका आंसर दे पाऊँगी अच्छे से, क्योंकि इधर उधर से इन्फॉर्मेशन जो भी मिलती है उससे तो मैंने बता दिया आपको, जो भी आपके ऐसे बहुत सारे क्वेरीज होंगे जो भी होंगे वो मैं बिल्कुल बताऊँगी, कॉमेंट बॉक्स में आप बताइएगा अपना और मैं उसके आंसर्स करूँगी। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं वो सब कवर करूँगी और बस होप सो कि कल इंडिया बहुत अच्छा खेले, मेरा जाना सफल हो जाए और जो लोग भी जाए और जो लोग नहीं जा पाए ना वो लोग टीवी पे एंजॉय करें, आखिर इंडिया का मैच है सपोर्ट करना बनता है, और हम लोग तो आपको तो पता है इंडिया टीम के लिए सब लोग कितना ही मतलब क्रेज है इंडिया में लगता है क्रिकेट का, और भी बहुत सारे गेम्स हैं जिन्हें सपोर्ट करना चाहिए, तो काफ़ी सपोर्ट करने लग गए हैं लोग और भी गेम्स को। यही है मेरा खुद का जो भी एक्सपीरियंस रहेगा वो नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। बहुत सारा प्यार दीजिएगा, मेरा नया चैनल है, आप लोग के प्यार से मैं आगे बढ़ पाऊँगी, और प्लीज़ शेयर करिएगा, आप लोग भी सब्सक्राइब करिएगा, फैमिली में बोलिएगा, इधर उधर अपने दोस्तों को भी बोलिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक बनता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और जो भी लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके।